एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भाइयों बताया जा रहा है कि वहाँ पर जयपुर में जो आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है अभी के लिए। कहा जा रहा है कि वहाँ के जो पुलिस मेंबर वगैरह थे उनको निलंबित कर दिया गया है। तो भाइयों बात देखने की ये है कि जी किसके दबाव में किया गया है। क्षत्रिय समाज हमेशा जो है अपनी अंधभक्ति इतनी कमज़ोर है कि तुम दो दिन में तुमने आंदोलन ख़त्म कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक वो आतंकी जो जिन्होंने वारदात की है वो नहीं मिलते थे, जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं होती थी, तुम क्यों उठ गए वहाँ पर? आप दलाल हो? आप देखो कि हमने कितने युद्ध लड़े, क्षत्रियों ने पूरे देश पर राज किया, और आप किसानों को देख लो, वो पूरे पूरे साल खड़े रहे, और तुम में से जो दलाल है किसके कहने पर ये किया गया वो इतनी जल्दी उठ गए, ये बहुत ही गलत है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक दो अपने फैमिली के या जो बीजेपी आरएसएस के अंधभक्त हैं उनके ही नहीं, पूरे देश के क्षत्रियों के एक कोहिनूर थे। तुम जितने भी दलाल हो तुम मतलब कि उनके समान हो ही नहीं सकते, ना तुम उनकी तरह एक्टिवली बोल सकते हो। तुम्हें हमने कभी सुना नहीं क्षत्रिय विरोधी जो जातिवादी गधों के खिलाफ बोलते हुए या उसके खिलाफ, वो बेवाकी से आवाज़ उठाता था, वो क्षत्रिय समाज का कोहिनूर था, और उसके जैसा कोई भी नहीं होगा इस देश में ना, और कभी क्षत्रिय समाज में जो खुलकर बोल सके ऐसा कोई नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या किया, समझौता कर लिया? अब कल जो है वहाँ पर रायपुर सभा में कल उनकी वो रखी गई है, उसके बाद दिल्ली में 10 तारीख को उनकी श्रद्धांजलि सभा है। ये श्रद्धांजलि सभा ये रुकना ही नहीं चाहिए था, कम से कम 3-4 दिन तो कर लेते, 8-9 तारीख तो सीधे फिर दिल्ली चले जाते, कोई बात नहीं थी। ये बहुत ही गलत किया गया है। क्षत्रिय समाज जो है पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट करता रहेगा जब तक उनको फांसी की सज़ा ना मिले, जब तक वो कातिल मिले ना, क्योंकि उन्होंने हमारे शेर बब्बर शेर को मारा है जिससे हर क्षत्रिय की आस्था जुड़ी हुई थी।